हेलो क्रिकेट बड़ी, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बड़ी। तो दोस्तों अभी जो टाइम चल रहा है ये बेस्ट टाइम है इन सात चीज़ों को फॉलो करने का। हालांकि इनमें से आप शायद मोस्टली सारी जानते होंगे, लेकिन जो बोलने वाला वो शायद आपने ना सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वाले वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको अभी फोकस करनी चाहिए वो है अपना बेसिक। मानता हूँ कि आपका बेसिक काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से आप कभी देखो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए अपने गेम से। यानी कि अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो भाई इतना बहुत है, तो मतलब आपकी लर्निंग की स्पीड हमेशा कम हो जाती है। तो ये बेस्ट टाइम है अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो उसको और ज़्यादा मजबूत करने का। तो वो सारी ड्रिल्स आप खुद घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, और अभी आपके पास टाइम है ये सारी चीज़ें करने का, क्योंकि जब ग्राउंड में जाओगे तब शायद ये चीज़ों के लिए टाइम ना बचे। तो इसलिए बेसिक पर अभी ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद है फिटनेस, जो कि आप लोग अभी डेफिनेटली कर ही रहेंगे। तो हालांकि अभी मेरे भी वीडियोस आएंगे ज़रूर फिटनेस के ऊपर, बैट्समैन बॉलर विकेट कीपर सभी के लिए। तो वो आए उससे पहले आप अभी भी यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर सकते हो, काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो अपनी फिटनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो फिटनेस पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरी चीज़ मेडिटेशन। तो भाई अब तक तो क्या चल रहा था भाई, अब तक आपके पास बहाना था कि भाई नहीं 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 यार अभी नहीं हो सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब ये बहाना आपके पास नहीं है, अब आपके पास टाइम ही टाइम है मेडिटेशन करने के लिए। तो देखो मेडिटेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे वीडियोज़ है, ट्यूटोरियल्स है, वो आपको मिल जाएंगे भी कैसे कर रहे हैं अगर आपको नहीं पता है। तो अगर मेडिटेशन आपको करना है मतलब स्टार्ट करना है तो आप करना चाहते हो, लेकिन और आपको मान लो कि काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि अभी आप शायद रात को देर तक जाग रहे होंगे और सुबह लेट उठते होंगे। तो देखो एक चीज़ कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 7 दिन आपको क्या करना है कि अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो ना तो अपने टाइम पे उठो। मतलब मान लो कि आप सुबह 9 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, 11 बजे उठते हो, तो जैसे उठो सबसे पहली चीज़ करनी है मेडिटेशन 5 से 10 मिनट के लिए। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, मतलब जितने बजे भी आप उठ रहे हो, मान लो पहले दिन आप 10 बजे उठे, दूसरे दिन 9 बजे उठे, तीसरे दिन 11 बजे उठे, तो जितने बजे भी आप उठ रहे हो तो 7 दिन आपको क्या करना है, जितने बजे उठे हो उसके हिसाब से 5-10 मिनट मेडिटेशन करना है। फिर उसके बाद से आपको एक फिक्स टाइम कर लेना है, मान लो सुबह 9 बजे 8 बजे जितने बजे भी आप उठो एक फिक्स टाइम में आपको उठना है और मेडिटेशन करना है। तो ये बेस्ट स्टार्ट हो सकता है कि आपकी रूटीन लाइफ में ये मेडिटेशन आ जाए, तो आपके पास बहाना नहीं है मेडिटेशन ना करने का। तो अभी आप मेडिटेशन के ऊपर फोकस कर सकते हो और इसके बहुत सारे फायदे हैं वो तो आप जानते ही हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है एनालिसिस। ये अभी आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम मिला है एनालिसिस करने का। अब एनालिसिस कौन सा कर सकते हो, तो सबसे पहले अगर मान लो आपके पास कोई अपने वीडियोज़ है तो वीडियो एनालिसिस कर सकते हो। फिर अगर आपने लास्ट मैच के लिए 5-6 मैच आप खेल के आए हो लास्ट में, तो वो सारी मैचों का एनालिसिस कर सकते हो, आपका कितना स्कोर था, कैसे आउट हुए, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा पूरा एनालिसिस का पूरा टेबल आप बना सकते हो। तो वीडियो एनालिसिस कैसे करना है या फिर मैच का कैसे करना है, तो मेरे वीडियोज़ डेफिनेटली यूट्यूब पे है, तो वहाँ पे सर्च करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो। तो अगर आपको नहीं मिला तो मुझे डीएम कर दोगे तो भी मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगा। हालांकि मुझे पता है आप लोग डीएम ही करने वाले हो, इतना ढूंढने का तो इतना तो आलस है, तो फिर चलेगा कोई बात नहीं, मैं वीडियो सेंड कर दूँगा। तो वो ज़रूर करो, अपना एनालिसिस कर सकते हो क्या गलती हो रही है अपने गेम में, तो उसको आपको देखो फाइंड आउट। भले आप अभी वो चीज़ घर पर प्रैक्टिस ना कर सको, लेकिन भले वो सारी चीज़ आपको मालूम पड़ गई ना तो आपको पता है कि आगे क्या करना है, तो उसके लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अभी ये बेस्ट टाइम है यूटिलाइज करने के लिए। फिर पांचवा पॉइंट डाइट। मैंने यहाँ पे लिखा है नो डाइट। नो डाइट का मतलब क्या है, देखो अभी जो सिचुएशन अब चल रही है आप जानते हो, आपको पूरा दिन घर में रहना है, ठीक है, कहीं बाहर जाना नहीं। तो देखो ये अभी माइंडसेट ऐसा चल रहा है ना कि अभी इतना एक्सट्रीम लेवल पर डाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन हालांकि आपने वीडियोस बहुत देखे होंगे भाई अभी डाइट का बेस्ट टाइम है, अभी डाइट कर सकते हो, डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं अभी ना बोल रहा हूँ क्यों, देखो इतना एक्सट्रीम लेवल पे मत ले जाओ, क्योंकि आप जब आप बाहर निकलोगे तब उस टाइम पे आप कर सकते हो एक्सट्रीम लेवल की भाई एकदम फैट फ्री खाना अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई ये अभी मैं मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है वो जानते हो। इसलिए देखो अगर आपको डाइट करना भी है ना तो लाइट डाइट करो, यानी कि अभी आप फ्रूट स्टार्ट कर सकते हो, फ्रूट जूस पी सकते हो, तो वो सारी चीज़, ज़्यादा पानी पियो, अभी समर चल रहा है तो पानी, और उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है समर डाइट प्लान करके, तो वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है अभी के टाइम में जो भी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि फिर आप उतना भी माइंडसेट फिर आपका रहेगा नहीं। और एकदम से अगर आप मान लो स्टार्ट करो एक्सट्रीम लेवल डाइट कि भाई फैट फ्री खा रहे हो, ऑयल फ्री खा रहे हो, एकदम टोटली कुछ नहीं, तो वो क्या होगा कि वो बॉडी आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी कि आपको अभी उतनी आदत है नहीं आपकी बॉडी को, मेंटली भी आप उतना रेडी नहीं हो कि भाई इतना एक्सट्रीम लेवल पे एक शॉट में आप वो सारी चीज़ कर पाओ, क्योंकि वरना क्या होगा 3 दिन में 4 दिन में 6 दिन में 7 दिन में बॉडी गिव अप कर देती है, बॉडी और माइंड दोनों। तो इसलिए डाइट हमेशा लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं होती, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है अगर आपका डाइट
लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं हो रहा तो ये आपकी गलती है। तो इसलिए आप लाइट डाइट से स्टार्ट करो, मतलब एक महीना या फिर दो महीना लाइट डाइट से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद एक्सट्रीम लेवल पे आप जा सकते हो, तो ये लॉन्ग टर्म भी फॉलो होगा और आपको तब उसका प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा भी। आपकी बॉडी के लिए मेंटली आप काफ़ी स्टेबल रह सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें को फ़ायदा तब मिलेगा, क्योंकि डाइट एक महीने करने से उसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फॉलो करना पड़ता है। इसलिए लाइट डाइट से स्टार्ट करना अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने नो डाइट लिखा है कि भाई एक्सट्रीम लेवल पे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, जो सिचुएशन अभी चल रही है। और हाँ, स्टे होम स्टे सेफ। और अगली अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा गेम्स। तो एक्स्ट्रा गेम्स से मेरा मतलब क्या है, देखो अगर आप एक क्रिकेटर भी हो ना तभी भी ये दो गेम्स जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो आप खेल सकते हो। पहली चेस। देखो चेस में क्या होता है, अपना दिमाग चलेगा खुलेगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे है मेरा कि भाई क्रिकेटर्स को क्यों चेस खेलनी चाहिए, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। अगर नहीं मिले तो डीएम कर सकते हो, मैं भेज दूँगा। तो चेस ज़रूर खेलो, उससे आपका दिमाग डेवलप होगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपका इन शॉर्ट दिमाग चलने का स्टार्ट हो जाएगा। तो चेस ज़रूर करो, उसके भी बहुत सारे फायदे, वो वीडियो मैं डाल के मैं भी थोड़े भूल गया, लेकिन वो वीडियो आप ज़रूर देखो तो चेस खेल सकते हो। तो पहली गेम है चेस और दूसरी गेम है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेल सकते हो, भले आपके घर में टेबल टेनिस ना हो, अगर बॉल और रैकेट है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो वो खेल सकते हो, या फिर बॉल भी है तो भी चलेगा, तो नोटबुक से या फिर वैसे खेल सकते हो। तो टेबल टेनिस और चेस दोनों गेम रेकमेंड है, क्योंकि टेबल टेनिस में क्या कॉन्सेंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि वो बॉल एकदम छोटा होता है, इसलिए तो उसका भी इफेक्ट आता है। तो दोनों गेम आप खेल सकते हो, और हाँ दोनों गेम मैं रेकमेंड कर रहा हूँ बोर्ड में, यानी कि वो नहीं कि आप मोबाइल में खेल रहे हो चेस, ठीक है अपने पेरेंट्स के साथ खेल सकते हो, अगर आपका भाई बहन है तो उनके साथ आप खेल सकते हो, तो उनके साथ खेलो, बोर्ड गेम्स खेलो, तो वहाँ पे आपको मज़ा आएगा, मोबाइल अवॉइड करो यार। तो चलिए अब आखिरी जो है वो है होम ड्रिल्स। देखो होम ड्रिल्स में क्या करना है, बहुत सारी ड्रिल्स है जो कि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आप चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, ऑलराउंडर हो, कोई भी हो, तो होम ड्रिल्स काफ़ी सारी है। लेकिन देखो पता है कि आप मानते नहीं हो कि इन ड्रिल का कोई फ़ायदा होगा, इसलिए आपके लिए वो चीज़ें काम नहीं कर रही, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा और आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन सी ड्रिल्स आपको करनी चाहिए। देखो मिरर ड्रिल है, बहुत सारी ड्रिल्स है, बहुत सारी छोटी छोटी ड्रिल्स के लिए बेस्ट टाइम है ये करना, क्योंकि जब ग्राउंड में जाओगे तो वो चीज़ों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा, और कोच बोलेगा कि तेरे को ये ड्रिल करनी ज़रूरी है, तब आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, अरे यार मैंने यूज़ कर लिया होता तो वो टाइम काफ़ी अच्छा था, तो मेरे को ग्राउंड की मेन प्रैक्टिस छोड़नी ना पड़ती, तो इसलिए वो कर सकते हो। तो बहुत सारी ड्रिल्स है, बैटिंग टीस, देखो बैटिंग टीस बेसिक में नहीं आती, वो बेसिक से थोड़ा ऊपर ही आती है, तो बैटिंग टीस की 15 से 60 ड्रिल्स है, तो वो ड्रिल्स कर सकते हो। तो बैटिंग टी को कैसे बनाना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तो वो आप देख सकते हो, वो सारी ड्रिल्स आप खुद घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये मानसून भी आता है यार, तो मानसून में देखो अब आप लोग चेंज हो जाओगे, मानसून में भी आप घर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, ये सारी चीज़ें तभी भी आप फॉलो कर रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने सारे क्रिकेट बड़े सारे क्रिकेट फैन उन सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लव क्रिकेट, लव क्रिकेट।